हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पोहा पालक कटलेट। और ये फ्रेंड्स कटलेट बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हैं। तो मैंने एक कटोरी पोहा लिए हुए हैं और थोड़ी सी पालक। अब इन दोनों चीज़ों को हम वॉश कर लेंगे और पालक को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 मिनट पोहे को धो के ऐसे ही छोड़ दिया था, तो बस काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं पोहे। और अब इसमें हम ये पोहे डाल देंगे एक मिक्सर बाउल में, और अब इसमें ये पालक ऐड कर देते हैं। और चीज़ें क्या क्या डालेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्च कट की हुई, और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया था। लहसुन की कलियां हैं 4 से 5, जिन दोनों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसे हम तीनों चीज़ों को इसमें ऐड कर देते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये 2 चम्मच गाजर ग्रेट की हुई ली है, ये भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। आपके पास जो भी सब्जी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 चम्मच मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। कुछ मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा जाएगा इसमें, नमक जाएगा स्वाद के अनुसार, थोड़ी लाल मिर्च डाल देते हैं, आप अपने हिसाब से इसे चटपटा बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसमें थोड़ी सी खटास लाने के लिए मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, हाथों से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसे कटलेट के लिए हमें एक डो चाहिए। डो बना लेते हैं सारी मिक्सचर का, ज़्यादा गीला हो जाएगा पानी डालने से, क्योंकि इसमें पालक है, पालक भी अपना पानी छोड़ती है। तो मैं इसे हाथों से अच्छे से मिसल के और एक डो की तरह बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी आसानी से बन जाती है इस तरह से, देखिए। तो पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये कटलेट फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और थोड़े से ही सामान में बनके तैयार हो जाते हैं, काफ़ी हेल्दी भी हैं। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसके छोटे छोटे से कटलेट बना के तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से आप जिस हिसाब से बनाना चाहें, छोटे बड़े, आप उस हिसाब से बना लें। तो एक बॉल सी बनाएंगे, और अच्छे से हम इसे इस तरह से चपटा करके चारों तरफ से चिकना कर देंगे। और हम इस तरह से सारे कटलेट बना के तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। ये देखिए इस तरह से, तो हम सभी को हम इसी तरह से कटलेट तैयार कर लेते हैं, फिर इन्हें बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटलेट हमारे रेडी हैं। तो बस इसे हम सेल्फ फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि मैं इसे सेल्फ फ्राई कर रही हूँ। और एक एक करके हम इसे सारे अपने कटलेट इसमें डाल देते हैं इस तरह से। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से बहुत टेस्टी लगते हैं। धीरे धीरे हम इसे सेल्फ फ्राई करेंगे, जिससे पीछे से अच्छे से क्रंची हो जाएंगे, तभी इनमें बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। तो हम इन्हें पलट देते हैं फ्रेंड्स इस तरह से, देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अच्छे से कलर आ गया है। हम सारी दूसरी साइड में भी इसी तरह से पलट देंगे, और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे, जिससे हमारे ये अंदर से भी कटलेट अच्छे से पक जाएँ, कच्चे ना रहें। तो सारे हम इसी तरह से सैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटलेट हमारे सैलो फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा तैयार है, पोहा और पालक का बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।